राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अजमेर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देवता की सक्रियता से लॉकडाउन के कारण अजमेर के दरगाह क्षेत्र स्थित होटलों में फंसे जायरीन की घर वापसी शुरू हो गई। सोमवार देर रात जायरीनों को अजमेर से महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया। मंगलवार को करीब 80 जायरीन मध्य प्रदेश और गुजरात के रवाना किए गए। ये सभी जायरीन निजी वाहनों की व्यवस्था जुटा कर गए हैं। जिन वाहनों में जायरीन जा रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइजर किया गया। से आए थे और 19 मार्च को आए थे और एक महीने के ऊपर हो गया हम यहाँ पर आए थे, अभी जा रहे हैं। और पुलिस के और आपके लोगों की शुक्रिया बहुत बहुत, ये का हमारे लिए मेहनत करने के लिए, दरगाह कमेटी का भी सबके लिए शुक्रिया। हमको आज सही सलामत पहुँचा रहे हमारे घर पे। कितने मेंबर होंगे? हम 5 मेंबर हैं। यहाँ पे रह के कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, अजमेर वालों ने आपका सहयोग किया? नहीं, सहयोग किया उन्होंने, सब बराबर किया, लंगर वगैरह सब आता था, खाना वगैरह, कमेटी ने सब अच्छे तरीके से ध्यान दिया हमारा। अब आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने घर वापसी लौट रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा, खुशी महसूस हो रही। आप लोगों का भी शुक्रिया और कमेटी वालों का भी शुक्रिया, हमको अच्छे से पहुँचा रहे। रमजान के महीने में सब अपने घर के साथ, घर वालों के साथ रोजे रखेंगे, ये बड़ी खुशी हमारे लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन की पालना ज़्यादा है जो है गरीब परिवारों के लिए। आज हमारी लोंगिया मोहल्ला विकास समिति ने राशन की वितरण करने का जो है निर्णय लिया है, और ये जो वितरण हमारे सदस्य खुद घर घर जाकर लोगों को मुहैया करा रहे हैं, ताकि लोगों को लॉकडाउन की पालना भी करनी पड़े और घर से बाहर भी ना निकले। हमारे जितने भी सदस्य हैं, जैसे हमारे गरीब भाई है, अल्ताफ भाई है और ऋषि भाई है, ये सब सदस्य हर यानी गरीब परिवार के घर घर जाके पोस्टाते हैं और उनकी घर तक जाके दे के आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग जो है सिलसिला हमारा जारी है, अभी महीने भर से लॉकडाउन की जो है पालना कर रहे लोगों, जरूरतमंद लोगों को जो है पहले भी हम काफ़ी किट बांट चुके हैं और खाने के भोजन के पैकेट भी बांट चुके हैं, और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि लॉकडाउन की पालना करें और प्रशासन का सहयोग। कोरोना महामारी में लोंगिया मोहल्ला विकास समिति की तरफ से खाद्य सामग्री के पैकेट पैक किए जा रहे हैं और उनको लॉकडाउन की पालना करते हुए उनको डोर टू डोर सामग्री पहुंचाई जाएगी, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये भोजन की सामग्री वहाँ उनको पहुंच सके। बिल्कुल, जो जायरीन यहाँ पे रुके हुए हैं लॉकडाउन के बाद से, तो अभी तक चाहे अंजुमन हो, चाहे दरगाह कमेटी हो, चाहे दीवान साहब की तरफ से, सभी लोगों ने अभी तक जिस भी तरीके से उनका ख्याल रख सकते थे रख रहे थे और अभी भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने जो कोशिशें की और उसकी वजह से जो जाने के लिए परमिशन जो मिली है, तो अब उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाए, तो आज उसके लिए बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जायरीन अपनी तरफ से गए वो जा ही रहे हैं, बाकी को हम सब लोग मिलके उनको अपने घरों पे पहुंचाएंगे। आज उसके लिए तय हुआ है और आज से उसके लिए कोशिशें चालू हो जाएगी और निश्चित तौर पे उन लोगों को भेजा जाएगा। नहीं, बिल्कुल, प्रशासन का, राजस्थान सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है, और बाकी सब लोग मिलकर के बसों का इंतजाम किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए दरगाह कमेटी, अंजुमन, जो दीवान साहब, शेख जादगान और यहाँ के और भी भामाशाहों को लेके और सरकार के सहयोग से इन लोगों को भेजने की व्यवस्था की जाए।